नमस्कार इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ प्रयागराज। प्रयागराज जिले के थाना अथर्सिया अंतर्गत दरियाबाद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे जबरन दूसरे के बेचने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आया। दरियाबाद कब्रिस्तान पहुंचे एसडीएम पुलिस उपाधीक्षक अथर्सिया ने पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर किसी तरह निर्माण पर सिर्फ न नाराजगी जताई बल्कि कोर्ट में मामला होने के कारण यथास्थित बनाए रखने के आदेश भी दिए। ये बताइए, दरियाबाद कब्रिस्तान में जो अवैध निर्माण हो रहा था उसमें आज एसडीएम सदर आए थे, उस सिलसिले में आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, एसडीएम सदर महोदय आज आए थे और आने के बाद उन्होंने सारे कागजात देखे, नक्शा देखा और उनको ये भी बताया गया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा चल रहा है माननीय न्यायालय में और उस मुकदमे में उस आराधी पर स्टे मिला हुआ है सन 2013 से और उसमें प्रतिवादी भी वो है जो अवैध कब्जा कर रहा था। चूँकि स्टे मिला हुआ है इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात तो ये मना किया कि इस पर कोई निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे जहां मुकदमा चल रहा है ताकि इसकी नाप हो जाए। इसकी नाप हो जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये वही आराधी है कि नहीं है, इसका रकबा कितना है और कहाँ से कहाँ तक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि कब्रिस्तान की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है और वो जो शख्स निर्माण कर रहा है वो अवैध है कि नहीं है। यही उन्होंने कहा है और ये कह करके वो चले गए। आपका परिचय? मैं मोहम्मद हुसैन दैदी, एडवोकेट हाई कोर्ट।